तो हमारी समान काम समान वेतन, जो ESI की सुविधा औरों को मिलती है मेडिकल की हमारे बच्चों के लिए, वो बहाल की जाए। तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हड़ताल चालू रहेगी। एक ड्राइवर जो पक्के में है उसको 80,000 रुपए सैलरी मिल रही है, वो भी वही काम कर रहा है, हम भी वही काम कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में आज दूसरा दिन है जहां DTC क्लस्टर बसों के ड्राइवरों की हड़ताल अभी भी जारी है। और ऐसे में देखिए, मैं मौजूद हूं अभी ये राजघाट के पास एक बस डिपो है, यहां मौजूद हूं। और ये तमाम जो ड्राइवर्स है वो आज भी हड़ताल पर है। और ऐसे में जो लोगों का कहना है कि जो आने जाने वाले लोगों को खासी तौर पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और कई तमाम जो गंभीर सवाल है वो ड्राइवर के ऊपर भी लग रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले ये बताएं कि आप किस बात की हड़ताल कर रहे हैं आप लोग? सर, एक तो हमारी समान काम समान वेतन, एक हमें जो ESI की सुविधा औरों को मिलती है मेडिकल की हमारे बच्चों के लिए, वो बहाल की जाए। और जी दूसरी बात है, एक वही काम हम कर रहे हैं, वही एक परमानेंट आदमी कर रहे हैं। हम 11 साल से हैं इस डिपार्टमेंट में, हम दे अपनी जवानी चली गई, हमारे बुढ़ापा आने लगा, अपने बच्चों के लिए हम क्या करेंगे? उनके लिए हम दो वक्त रोटी भी टाइम पे नहीं ला दे तो क्या कर सकते हैं हम अपने जीवन में? क्या कहना चाहेंगे? आज दूसरा दिन है, कब तक इस तरह की हड़ताल जारी रहेगी? या जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हड़ताल चालू रहेगी। मुख्य मांगे क्या क्या है? मुख्य मांगे यही है कि समान काम समान वेतन, एक ड्राइवर जो पक्के में है उसको 80,000 रुपए सैलरी मिल रही है, वो भी वही काम कर रहा है, हम भी वही काम कर रहे हैं। ठीक है, हमें 20,000 सैलरी मिल रही है, यहाँ तक कि हमारा ESI तक बंद कर रखा है, जो हमें मिल रहा था उनको मेडिकल मिल रहा है, लेकिन हमें तो ESI भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में जो लोग हैं, इस चीज को 2017 में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पास कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट नहीं लागू कर रही है इस चीज को। आप ये चीज देखिए, कितना टाइम हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे में जब लोग हैं जो पैसेंजर हैं, उनका कहना है कि अगर हड़ताल करना था तो पहले आपको सूचित करना चाहिए था, आम लोगों को समस्याएं हो रही हैं। भैया सूचित तो आप, मैं बता तो रहा हूँ, 2017 की बात है, आप कितना सूचित किया जाएगा ये बताइए ना। 2017 की बात है, आप खुद लगा लीजिए इस चीज को, 7 साल हो चुके हैं, 7 साल में कितना टाइम दिया जाएगा? 7 साल कम होते हैं क्या? तो देखिए, विधानसभा चुनाव भी करीब है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि कितना असर रहेगा इसका? असर तो बहुत ज्यादा रहेगा, जो अगर जो कोई काम अच्छा करेगा तो उसके लिए होगा कुछ, यानी आप ये सोच रहे कि जो सरकार आएगी जो उसको वोट दी जाएंगे जो अच्छा काम करेगा, कुछ जो पब्लिक है ये बेरोजगार 20,000 रुपए में आजकल क्या हो रहा है? 20,000 रुपए में बच्चे भी नहीं पढ़ रहे, आप उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्या यही एक वजह है कि हड़ताल की जा रही है? नहीं नहीं, ये कोई वजह नहीं है, हम तो जी अपनी मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने इस्तीफा किस वजह से दिया है हमें ये भी नहीं मालूम है, हम सिर्फ अपनी मांगों को मान करवाना चाह रहे हैं और हमारा कोई रीजन नहीं है। 2017 से आप प्रदर्शन का इस तरह से मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, अब इससे पहले आपने हड़ताल क्यों नहीं किया, अब हड़ताल कर रहे हैं आप? बताया ना हमारे भाई साहब ने, इन्होंने जो बात की बिल्कुल सच की, इसी वजह से काम हो रहा है। और सब ड्राइवर भाई खड़े, केवल ये कहना था, सबका साथ सबका विकास। कब तक रहेगा जारी, ज्यादा कब तक रहेगा ये हड़ताल? जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी जब तक हड़ताल जारी रहेगी, ठीक है। और हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारी जल्दी से जल्दी सुनवाई करे, पब्लिक परेशान है, और पब्लिक को सुविधा जब ही दे पाएंगे जब हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी। हमें समान काम समान वेतन चाहिए, मेडिकल सुविधा चाहिए, किसी भी तरह से हम कोई रोष नहीं है, कोई हम उग्र प्रदर्शन नहीं करें, शांतिपूर्वक अपनी मांगे रख रहे हैं, बाकी आप देखिए। ठीक है, आप हड़ताल कर रहे हैं, दूसरा दिन है, अगर सरकार जो आपकी मांगे हैं सरकार वो नहीं मानती तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम क्या, ये जारी रहेगा, जारी रहेगा भाई, कौन आएगा बताओ, कौन कर रहा, कौन चालू ही नहीं करे, सारे लोग तो जो है कि यहीं पे खड़े रहेंगे, कौन जाएगा? दादा कुछ कह रहे थे? हम ये कह रहे थे जब हमें मजदूरी सही नहीं मिलेगी तो हम काम नहीं करेंगे, अपने घर रहेंगे, साफ बात है, हम क्यों करेंगे, हमारी छठी में पूछ रहा है ये करना है? इनकी तो 3-3 पेंशन, अपनी नौकरी भी बना ली, सब कुछ बना लिए, हमारी मजदूरी में इनके पास बजट नहीं है, फ्री चलाने के लिए इनके पास बजट है तो उम्र हो गई। तो देखिए, ये तमाम DTC क्लस्टर बस के ड्राइवर्स हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि इनकी जो मांगे हैं सामान्य काम सामान्य वेतन की मांग करते हैं, और ऐसे में इनका कहना है जितना वेतन जो औरों का है इतना ही वेतन को खुद चाहिए, और जब तक जो इनका मांगों को अगर सरकार नहीं मानती तो ये ऐसे ही हड़ताल पर रहने वाले हैं। साथ साथ इनका ये भी कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ये अपना जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं वोट चुनाव में देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो इसका असर है सीधे तौर पर दिल्ली सरकार को झेलना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।